अस्सलाम वालेकुम। जमजम फूड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यूं ही जुड़े रहें जमजम फूड के साथ। जमजम फूड आपके लिए सिग्नेचर चिकन रैप रेसिपी लेकर आए हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और चिकन रैप रेसिपी के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने कार्ड में सब मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले हम मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए हमें चिकन को काटना है कुछ इस तरीके से। चिकन फिले इस तरह फिंगर फिले काट लीजिए, अच्छे से वॉश करके फिर आप इसको इस तरह कटिंग कर लें। उसके बाद अब हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए टिक्का बोटी मसाला मिक्स हर्ब्स, मैं आराम आराम से सारी चीज़ें आपको बताती जाऊंगी। आप भी अगर मेरे साथ ही इस रेसिपी को बनाते जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। सोया सॉस ऐड करने जा रही हूँ मैं। सोया सॉस ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट। क्वांटिटी मैंने कार्ड में मेंशन कर दी है। मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया। इस तरह आराम आराम से सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ बनाते जाएँ और इन्जॉय करें। नेंडोस की पेरी पेरी सॉस मैंने ऐड करी और थोड़ा सा नमक। उसके बाद बारी आती है लेमन की। ऑलिव ऑयल मैंने डाला है 2 टेबलस्पून। अब मैं लेमन डालूंगी। लेमन जूस ऐड कर लिया। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना होगा हमें। अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप इसको। बस आप इसको अच्छे से मिक्स करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी सिग्नेचर चिकन रैप रेसिपी। इंशाल्लाह आप लोग को अच्छी लगेगी। आप इसको चिकन को ऐड कर लीजिए फिले को। और फिर मैरिनेशन के लिए मैंने एक दिन के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था फ्रिज में। अगर आप चाहें कि 1 से 2 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं ताकि अच्छा सा टेंडर और जूसी बन जाए। ये बहुत जूसी बना था। एक पैन में मैंने विदाउट सॉल्टेड बटर इसको मेल्ट कर लिया, फिर इसमें चिकन ऐड कर लिया। चिकन को आप इसको कुक करने के लिए थोड़ी देर के लिए रखें, फिर आप इसको स्पैचुला से चम्मच चलाते रहें और इसको कुक करें, क्योंकि बहुत अच्छा टेंडर हो चुका है। बस इसको मुझे थोड़ा सा कुक करना है, क्योंकि पूरी एक दिन की मैरिनेशन के बाद तो चिकन का बहुत अच्छा वो आता है। कोई दिन का आ गया है मिक्स हर्ब्स का, इसको मैं हटाऊँ, थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने हटा दिया इसको। चलें बस, तो फिर इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएँगे और इसको कुक होने के लिए रख देंगे। और फिर हम मेयोनीज बनाएंगे, जिसके लिए आप बस अच्छे से इसको निचोड़ के निकालें। एंड हो रहा है तो मैं सारा निकाल के एक जार में भर दूँ। जो केचप की बोतल होती है हमारे पास, बस उसमें मैं डालना शुरू कर दूँगी। और इसके इससे पहले मैंने इसमें ये निकाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले नेंडोस की पेरी पेरी सॉस, जिसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद मस्टर्ड पेस्ट आपने ऐड किया और थोड़े से मिक्स हर्ब ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस ये हर्ब्स डालें, फिर एक छोटे से स्पैचुला की मदद से हम इसको पूरा मिक्स करके अच्छे से यकजा कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे हम। उसके बाद हम एक कंटेनर में इसको भर देंगे। मेरे पास ये छोटी सी केचप की बॉटल है, आप इस तरह की किसी बॉटल में भी डाल सकते हैं। ये आपने पूरा पेस्ट डाल दिया। ये आप बाकी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैंने रैप के लिए बनाया है। अब मैं आपके साथ रैप भी शेयर करूँगी कि मैंने कौन से वाले रैप यूज़ करे थे, क्योंकि जब मैंने बनाए थे तो सब ने पूछे थे मुझसे कि कौन से रैप आपने यूज़ करे, किस ब्रांड के थे। तो आप देखिएगा, इसको मैंने भर दिया है अच्छे से। इसको ढक्कन लगा के इसको साइड पे कर दूँगी। चिकन हमारा रेडी है।
माशाल्लाह से देखिए कितना जूसी वो मलाई बोटी वाला आ रहा है इसमें। और ये है रैप जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा सा थोड़ा सा इसको रैप को मैंने हल्का सा पैन में सेक लिया था, ग्रिल पैन में आप इसको सेक लीजिए। फिर आपने वो जो पेस्ट मैंने अभी बनाया था वो मैंने ऐड किया, इस पर लगाया। अब स्पैचुला से मैं इस पर सैम्बल कर दूँगी। बस मैं एक चीज़, अगर आप इसमें चाहें तो आइसबर्ग भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें ककड़ी डाली है जो कि बहुत क्रंची और क्रिस्पी थी, तो मैंने ककड़ी डाली। अगर बाकी हुए और वेजिटेबल्स और या फिर आइसबर्ग आप डाल सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम जो बनाई थी उसमें आइसबर्ग डाली थी और इसका फ्लेवर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इट्स ऑप्शनल, आप चाहें तो कोई इस तरह की कम्बर लंबे स्लाइसिस में काट लीजिए या आइसबर्ग, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। मैंने लास्ट वाली रेसिपी में जो मैंने घर पे बनाई थी तो वो उसमें मैंने आइसबर्ग डाली थी, अभी मैंने ककड़ी डाली है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप दोनों में से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं, कोई सैलड भी ऐड कर सकते हैं। बस इस तरह चिकन का स्लाइस रखा और बटर पेपर में आपने इसको रैप कर दिया। आप इसको रैप करें और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और यमी रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगी और अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन को मैंने ट्राई कराया है उनको तो बहुत पसंद आया, और तो जिनने ट्राई किया है वो भी आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी। बस इसी तरह सारे रैप बना के मैं तैयार कर लेती हूँ, और बस ये सेम इसी प्रोसेस से आप रैप को तैयार करें और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और तो बस इसी तरह सारे मैंने रैप आराम आराम से एक एक करके बना के वन साइड कर दिए, और आप भी बनाएं और ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आप लोग को कैसा लगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं ये बना के फिर साईं को ट्राई कराऊंगी, फिर आपको साईं बताएंगे कि कैसा बना है। क्योंकि जब मैं कुक कर रही होती तो बस मैं फिर फौरन मुझसे नहीं खाया जाता, एक पे कहती हूँ कि थोड़ी देर बाद और इस तरह। तो अभी साईं खाएंगे फिर आपको बताएंगे कि कैसा है। तो ये आपके लिए फाइनल लुक, देखें रैप इज़ रेडी। अब मैं साईं के पास लेके जाऊंगी और वो खा के बताएंगे कि कैसा है। साईं भी एक्साइटेड हो रहे हैं, पूछ रहे हैं। जो आपने पहले मैं लाया था ना वो डेढ़ था, ये बहुत ज़्यादा जूसी है। अंदर का भी आप देखें ये चीज़ जो है ना बहुत जूसी बन रहा है। सॉस भी बहुत अच्छी है। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए जमजम फूड के साथ जुड़े रहें और कमेंट्स करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।